भांजी को पार्वन की परीक्षा दिलाने जा रहे मामा को कंटेनर ने कुचला, मौके पर हुई मौत, भांजी घायल। जाले भरवाड़ा मुख्य सड़क पर पकटोला स्थित आईटीआई से दक्षिण मंगलवार की सुबह लगभग 6:30 बजे सुधा लदे कंटेनर की ठोकर से बाइक चला रहे युवक की मौत हो गई एवं युवती जख्मी हो गई। वह परीक्षा देने दरभंगा आ रही थी। घटना के विरोध में मृतक के आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। जिले के 235 केंद्रों पर मंगलवार को 27,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। अभी तक जिले के 16,50,248 लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड की प्रथम व दूसरा डोज का टीका दिया गया है। दरभंगा में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, गोलीबारी में एक युवक को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। लेनदेन को लेकर पहले भी हुआ था विवाद। बहेरी थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण से जुड़े दोहरा इंजीनियर हत्या मामले में कारधीन रहे अभियुक्त निकेश दुबे को जेल के अंदर किए गए अपराध को लेकर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संदीप कुमार सिंह ने 1 वर्ष की कारावास और अर्थदंड की सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई है। सो रही है पुलिस, एक्टिव है अपराधी। मुजफ्फरपुर में हाईवे किनारे वैन में सोती है पुलिस, अहियापुर थाने के सो रहे पुलिस अफसर की तस्वीर वायरल। ब्रॉनिंग कटिहार रेलखंड पर धसी पटरी, रेल लाइन के पास पानी जमा होने के कारण खिसक गई मिट्टी। कैपिटल एक्सप्रेस से गुजरने पर हुई जानकारी, रोकी गई ट्रेनें। समस्तीपुर में ज्वेलरी दुकान का शटर उखाड़, लाखों की चोरी। दलसिंहसराय में शटर उखाड़, अंदर घुसे बदमाश, तिजोरी का ताला तोड़कर की लाखों की जेवरात की चोरी। डीएमसीएच में फिर आए 64 बच्चे, 19 गंभीर बच्चों को करना पड़ा एडमिट, ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी। 14 सितंबर को लगेगा ऑफलाइन जॉब कैंप। श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में संयुक्त श्रम भवन रामनगर आईटीआई के निकट अवस्थित अवर प्रदेशिक नियोजनालय के माध्यम से टाटा मोटर्स लिमिटेड की ओर से 14 सितंबर को ऑफलाइन जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। बाढ़ के पानी में डूबने से 5 लोगों की मौत। कुशेश्वर स्थान जिले के विभिन्न इलाकों में पिछले 24 घंटे के अंदर बाढ़ के पानी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक वृद्ध, एक बच्ची और 3 युवक शामिल है। वहीं सदर थाना क्षेत्र के ककरघट्टी में एक बच्ची डूब गई। मंगलवार की देर शाम तक उसे बरामद नहीं किया जा सका था। कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांव में मंगलवार को बाढ़ के पानी में डूबने से एक वृद्ध व एक बच्ची की मौत हो गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से उत्तर बिहार के जिलों में 8 से 12 सितंबर तक हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। एलपीजी अध्यक्ष चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। चिराग पासवान आज पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर स्थित आवास पहुंचे और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं की इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की बरसी के मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने का न्योता तेजस्वी यादव को दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्वर्गीय सदानंद सिंह अनुभवी राजनेता थे, वे अपने क्षेत्र के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। बिहार में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले लाखों युवाओं के लिए बड़ा मौका, 45,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती जल्द। बिहार में नदियां अब धीरे धीरे शांत हो रही हैं, कई नदियों का जलस्तर लगातार कम हो रहा है, तो वहीं कई नदियां अब भी उफान पर है।